हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत में रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज की गई है। तो आइए देखते हैं यहाँ पोस्ट डिटेल क्या है और किस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 9 पोस्ट दिए गए हैं, जहाँ अनरिजर्व के लिए 5, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 1 और ESM मतलब एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। सैलरी यहाँ पर होने वाली है 36,000 से 1,10,000 की। इसके बाद ये सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स वालों के लिए टोटल यहाँ 6 पोस्ट दिया गया है। यहाँ अनरिजर्व के लिए 4, OBC के लिए 1 और एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। सैलरी यहाँ 36,000 से 1,10,000 की होने वाली है। इसके बाद ये जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस वालों के लिए तो यहाँ पर टोटल 32 पोस्ट दिए गए हैं, जहाँ अनरिजर्व के लिए 16, SC के लिए 2, ST के लिए 3, OBC के लिए 3, एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 4 और EWS के लिए 3 पोस्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1 पोस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है 31,000 से 92,000 की। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है। तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष की रखी गई है। इसके अलावा ST SC को 5 साल के, OBC को 3 साल के, एक्स सर्विस मैन वालों को 3 साल के और PWD वालों को 10 साल के एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के साथ में होना चाहिए और इसके साथ में 2 साल के आपके एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट वालों के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए BCOM के साथ में और उसके साथ में कंप्यूटर ट्रेनिंग होना चाहिए 3 या 6 महीने के। इसके साथ में 2 साल के आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 10th पास के साथ में 3 साल के आपके रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, फायर विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में और इसके साथ में या फिर 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन आपके बेस्ड होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर। तो यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाले हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से 1 पेपर होंगे और जो दूसरे पेपर होगा वहाँ पर जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी 1-1 मार्क के आपके क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 12 अक्टूबर 2022 से और लास्ट डेट होंगे 10 नवंबर 2022। एग्जाम डेट आपके बाद में अनाउंस किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और सबमिट का ऑप्शन दबाकर सामने जो डिटेल दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 10 नवंबर 2022 के पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म स्लिप पे बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।